टीवी के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम दिलचस्प दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थे एक होनहार फनकार खुशनुमा। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुंसिफ टीवी में काम करने वाले जर्नलिस्ट रिपोर्टर शफीउल्लाह साहब। नाज़रीन, इसी तरह हर हफ्ते, हर रोज़, हर एपिसोड में हम एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे जो हमारे शो को रेगुलर देखते हैं और हमें राय और मशवरा भेजते रहते हैं। शफीउल्लाह साहब, आपका इस्तकबाल हमारे शो में। जी, आप बताएंगे आपको हमारा शो कैसा लगा, आपके राय हमारे शो के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएंगे जो आपने हमको बताई थी। माशाल्लाह, आपका शो शुरू होकर तकरीबन एक साल हो चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो शो शुरुआत हुआ था कड़पे की आवाम इतना डेवलप होता आपका चैनल करके नहीं समझे थे। जी वो तो बेशक, जहाँ तक मैं सुना हूँ पब्लिक ये कह रही थी कि ये चैनल क्या है, उर्दू चैनल चार रोज में बंद हो जाता, क्या चलता करने के, ये भी टाक हम सुने थे। जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वसीला टीवी जिस मुकाम तक पहुँची है, माशाल्लाह उस मुकाम तक पहुँचती बोल के मैं भी नहीं सोचा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपकी मेहनत है, आपके स्टाफ की मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके दुआएं आपके साथ हैं। जी शुक्रिया जी, आप जैसे हजरात की दुआओं से हमारा चैनल चल रहा है, इंशाल्लाह और चलता रहेगा। नाज़रीन, हमारे शो की शुरुआत करते हैं शफीउल्लाह साहब के साथ में। शफीउल्लाह साहब ने हमें कुछ ऐसे कमेंट्स भेजे जिससे हम इस तरह मुतासिर हुए कि हमने शफीउल्लाह साहब को दावत दे दी हमारे चैनल पर हमारे साथ शो करने के लिए। शफीउल्लाह साहब, आपने जलपरी देखी है कहीं? नहीं, मैं इंटरनेट पे देखी। नहीं नहीं, असलियत में, असली जिंदगी में नहीं देखी। नाज़रीन, अगर सड़क चलते, शफीउल्लाह साहब आपको भी सड़क चलते अगर असली जलपरी देखने का मौका मिल जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो अभी तक नहीं देखा है, देखने के बाद मालूम होगा इसका रिएक्शन क्या होगा। नाज़रीन, अगर आप देख लें तो आप कैसा महसूस करेंगे? मैं देख लूँगा तो चौंक, ऐसा चौंक जाऊँगा कि सही में ऐसा होता है। शफीउल्लाह भाई, हमारे इस अगले वीडियो में जैसे आपने YouTube पर देखा होगा जलपरी का कुछ भी हो चाहे वो एडिटिंग करके हो, ज़्यादातर तो एडिटिंग से होता है, तो यहाँ पर अगले वीडियो में लोगों को मजाक के तौर पर उनको बेवकूफ़ बनाने या फिर हमको हंसाने के लिए अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जलपरी का कॉस्ट्यूम पहनाकर उनके साथ में लोगों के साथ मजाक करते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, तो इसको असलियत में मत लेना। नाज़रीन, आप इंजॉय कीजिए ये वीडियो। शफीउल्लाह भाई, कैसा लगा आपको वीडियो देखने के बाद? देखने में तो मज़ेदार था लेकिन मेरी ज़िंदगी में इसको हकीकत नहीं मानता। जी नाज़रीन, जाहिर सी बात है कोई भी कैसे यकीन मान लेगा, जलपरी बिना पानी के आप गोद में लेकर घूम सकते हो क्या? हरगिज़ नहीं। चलिए हम अपने अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। शफीउल्लाह भाई, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे? दो बच्चे हैं। अच्छा, अगर आपको किसी और का बच्चा संभालने दिया जाए तो आप संभालेंगे? मेरे बच्चे मुश्किल से संभाले जाते हैं, दूसरों को कहाँ से संभाले। अच्छा, आप शादी के पहले बच्चे संभालने का शौक था आपको, जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो उसको गोद में लेके खिलाने लगे थोड़ी देर तक। नाज़रीन, आपको भी ये शौक होगा कि जब आप बाजार में या कहीं और जाते हैं, आपको छोटे बच्चे दिखते हैं, मासूम से बच्चे, तो आप उनको लेकर खिलाने लग जाते हैं या फिर उनके साथ में मजाक मस्ती करने लगते हैं। लेकिन शफीउल्लाह भाई, हमारे इस अगले वीडियो को देखने के बाद में
आप दूसरों के बच्चों को हाथ लगाने से भी डरने लगेंगे। पता है क्यों? देखिए इस वीडियो में। चलो देखते हैं। देखा आपने शफील भाई, कैसा लगा वीडियो? उफ मेरे खुदा, ऐसा है तो मैं किसी के बच्चे भी नहीं संभाल पाऊंगा आगे से। नाजरीन, ये तो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन असली जिंदगी में कभी आपने देखा होगा कि कोई अपने बच्चों को यहाँ छोड़ कर चले गए या वहाँ छोड़ कर चले गए, आजकल न्यूज़ में भी आता रहता है। मगर जब आप कहीं रास्ते पर किसी अनाथ बच्चे को देखें या फिर कोई बच्चा चलते चलते गिर जाए या कुछ जख्म लग जाए, तो आपको उसकी मदद करना आपका फ़र्ज़ भी है और ज़रूरी भी है। अगर कोई आपको अनजान बच्चा दिख जाता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ले जाकर उसे या तो पुलिस स्टेशन या पर कहीं ऐसी जगह छोड़े जहां पर उसकी ज़िम्मेदारी कोई ले सके। तो नाज़रीन, इस वीडियो का गलत मतलब मत निकालना, ये तो सिर्फ मजाक था। आप ऐसे अनजान लोगों की मदद करते रहिए, उनको खुश रखते रहिए। शफी भाई, आज हमारा पहला शूट है, उम्मीद करता हूँ आखिरी ना हो। तो हमारे पहले शूट की याद में एक सेल्फी ले लेते हैं, क्योंकि आजकल सेल्फी का क्रेज भी चल रहा है। लोग ऐसे तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन जैसी सेल्फी का टाइम आता है मुंह टेढ़े भी नहीं हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे फिट्स आ गए। तो एक सेल्फी हमारे लिए भी। नाजरीन, आजकल लोग, शफी भाई आपने भी गौर किया होगा कि लोग सेल्फी हर एक जगह ले रहे हैं। पीछे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वहां खड़े होकर सेल्फी ले ली। सामने कोई गिर गया, वहाँ खड़े होकर सेल्फी ले लिए। कोई पार्टी में चले गए, वहाँ एक सेल्फी ले लिए। आप लेते हैं सेल्फी? सेल्फी तो मैं लेता हूँ, लेकिन ऐसी सेल्फी वाली सेल्फी नहीं लेता हूँ। तो आप कैसे सेल्फी लेते हैं? नॉर्मल सी, जैसे फ्रेंड्स के साथ कहीं पार्टीज वगैरह में, कहीं अच्छा लोकेशन दिख जाए तो उधर जरूर सेल्फी लेने का बनता। लेकिन लास्ट January 1st को मैंने एक सेल्फी देखा था, जब दुबई के अंदर एक बिल्डिंग फायर में आ गई थी, जले गई थी, तो एक कपल ने सेल्फी लिए जल्दी बिल्डिंग के सामने, बिल्डिंग के पीछे सेल्फी लिए। बात ऐसे मौकों पर लोगों को ऐसी हरकत करने के बारे में ख्याल भी कैसे आ सकता है? मतलब वो अपने फेसबुक के अंदर अपलोड करके लाइक्स पाने के लिए। अच्छा, अब तक आपने ऐसी कौन सी सेल्फी ली है जिसे देखने के बाद लोगों को हंसी आए, फनी लगे, मजाक लगे? नहीं, अब तक तो नहीं की है। नहीं, नहीं। मैंने एक सेल्फी लिया था। क्या हुआ था कि मैं नॉर्मली मैं सेल्फी ले रहा था, मेरे पीछे कुत्ता आ गया, ऐसा कर रहा था, तो लोगों को देख के क्या लगा, कुत्ता मेरे को देखे। तो इसके लिए ऐसा कई मौके पर होता है। नाजरीन, हमारे इस अगले वीडियो में भी लोग, आपने वैम्पायर मूवी देखी है? आपने देखी वैम्पायर मूवी? नहीं देखी। ओके, ज़ॉम्बीज मूवी देखी है आपने? नहीं देखी। ज़ॉम्बीज मूवी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी सेल्फी का क्रेज इतना है, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। Ha ha ha!
आपकी राय इस वीडियो के बारे में? इंसान है आखिर, उसकी फितरत ही ऐसी है, तो फितरत तो नहीं बदल सकते ना, चाहे इंसान हो या शैतान हो। जी, तो मतलब जब आप नॉर्मल जिंदगी में अपनी इतनी सेल्फ हेल्प होंगे तो चाहे आपकी हकीकत बदल जाए लेकिन आपकी आदत नहीं बदलेगी। शफी भाई, अभी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के बाद ईद आएगी, ईद के बाद बकरीद आएगी, तो आप बकरीद में बकरा तो लेते होंगे? लेते हैं। अच्छा, आपका बकरा आपका वफादार होता है या आप ही को सिंग मारता है? अगर से मेरा कई सालों से मैं पालता रहूं तो वो वफादार ज़रूर रहेगा, लेकिन मैं हाल ही में ख़रीदा तो वफादार थोड़ी होगा। हाँ, एक नाजरीन, ऐसा होता है कि हम जब बकरा लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो शुरुआत के दिनों में हमको मारने आता है, लेकिन हमारी मोहब्बत, हमारी नज़ाकत, हमारा उसके तरफ बर्ताव देखकर उसके ख्याल भी बदल जाते हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, पर उसके ख्याल भी बदल जाते हैं। लेकिन सड़क चढ़ते जब कोई अनजान बकरा आपको सिंग मारने आया तो आप क्या करेंगे? बचाने की कोशिश करेंगे और भागेंगे। बेहतरी तो इसी में जान बचाए और भाग जाए, लेकिन आपका पीछा ही ना छोड़े तो देखेंगे आगे आप क्या दिखाएंगे, इसमें तो मालूम पड़ेगा। आपको भी दिखाता हूँ मैं क्या दिखाने वाला हूँ। Olha lá, rapaz, pegou, mãe, então. Pegou, cara. अब बोलिए आप, बकरा अगर मारेगा तो आप क्या करेंगे? जान बचाएंगे और भागेंगे, तभी भी पीछा ना छोड़ा तो उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो आप मार खाएंगे? खाना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता तो नहीं है। नाजरीन, जैसे यहाँ पर लोग कर रहे थे, झाड़ों पर चढ़ रहे थे, गाड़ियों पर चढ़ रहे थे, आप ऐसा क्यों नहीं करते? अगर सिचुएशन वैसा है तो जरूर। खुदा ना करे आपको ऐसा सिचुएशन आए, आपके साथ भी ना आए, मैं दुआ करूंगा यही। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। शफी भाई, आप गार्डन्स में जाते हैं? हाँ, जाता हूँ। जैसे इतने सारे वीडियो देखे, कहीं पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे थे, लेकिन इन सब एक्सीडेंट में किसी को मार लगा, किसी को जख्म हुआ, किसी को खून निकला और हमको हंसी आई। लेकिन नाजरीन, ख़ास तौर पर लोगों को हंसाने के लिए भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे आप मस्जिद में, आजकल के दौर में, आज के दिनों में, रमज़ान के महीनों में, मस्जिद में जब चप्पलों का मजमुआ रहता है, बहुत सारी चप्पलें पड़ी रहती हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी चप्पल में जब पैर डालते हैं तो पीछे वालों को आपकी चप्पल के तलवे पे पैर रख देता है। ओके, तो आप क्या होता है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो गिर जाते हैं सामने। तो ये हमारे लिए तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन दूसरों के लिए फनी लगता है। सही। तो आपने भी कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया मार्केट में या अपने मोहल्ले के आसपास, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट? हाँ, देखते रहते हैं आए दिन, तो वैसे दिखने में मिलता रहता है। जैसे कोई हाल ही में जो हुआ एग्जांपल? हाल ही में क्या हो रहा है, आजकल गाड़ियों के ऊपर साइड स्टैंड ऐसे रखते हैं और बाइक मूव करते रहते हैं, उसके वजह से क्या होता है, आगे कोई ठोकर लगी, मतलब गाड़ी को पत्थर लगा, तो गिरने के चांसेस रहते हैं। जी, वो एक फनी मोमेंट रहता, लेकिन सीवियर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। जी हाँ नाजरीन, आप भले ऐसे मोमेंट को एंजॉयमेंट के तौर पर लें, लेकिन जो जिसके ऊपर ये गुजरा है उनकी मदद करने के लिए ज़रूर जाएं। तो वो तो बात की बात है कि आप मदद करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स जिसको देखने के बाद आपको मदद के लिए तो उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप हंसते हंसते ज़रूर गिर जाएंगे। बाबा
được gặp gỡ với dân chơi. Đây là dân chơi chó nên chúng ta cùng xem anh làm gì đây. Rồi, như vậy là anh đang dùng chân là đạp vào trong cái chuồng chó này. Rồi, vậy như anh ngày nào anh thực hiện những hành động tương tự của mình như này đây. Anh làm gì em thôi. Cắn cho nó chết luôn đấy. Muốn làm gì tiếp tục đi nào, thò chân nó đi nào, thò nó đi chứ nào, thò đi cho bố chứ nào. Đã ngu là cần tỏ ra nguy hiểm thì nhân cái cục như thế này là đúng rồi. Ngu thì ngu nó vừa thôi, đừng có tranh hết phần ngu người khác thế. Start. Em mất cái mẹ nó bình tĩnh rồi, giống cả tất cả nhất. Nào giờ em bắt đầu hát này. À đu. Bình ngại quá, nào em hát nào. Nhìn trong ban giám khảo nhìn anh mấy ngu ngây quá làm em không hát được. Xin lỗi nha, nè bây giờ em bắt đầu hát này. À đủ đi, giờ cười cái đéo gì vậy. Em hơi mất bình tĩnh đi, mọi người thông cảm nha em nha. À đủ. Nà, cút ra, cút ra. Nà, nha. Đó, chờ đến đợt anh thể hiện đây. Ui dồi ôi, này vỡ mặt làm gì nữa. Nà, làm gì đây. Nà, rồi. Và bây giờ anh nhập bệnh viện chấn thương cho áo đi rồi. Ây à, áo đỏ à. Ồ, siêu nhẹ. Giờ đấy, giờ mày thấy tao siêu nhẹ. Nào nhìn tao lại. Nào dần chơi. Rồi, nhẹ nhàng bình tĩnh nhá. Rồi, hụt lạnh đi xuống tắm bắt cá vô đi. Nào, tìm chứ. Yeah. Giờ siêu nhẹ. Đang ngu liền tội ra nguy hiểm hay sao. Rồi, rồi, siêu nhẹ. Rồi, úi giời, tao bơi à. Nào dần chơi. Nha, nha. Nào, mày đi, nào, lên đi nha. Nào, tụi mày cút ra, bây giờ vào tao ấy. Nào, rồi, ui. Ui, tôi làm, mỗi lần làm này, chắc cái áo này thì bao nhiêu tiền nó đủ. Ui ạ. Xong rồi, mày quay rồi, xuống nha. Oh shit. Cái này thì ai dám bình luận. Ui, ngon nha. Nào, làm gì đây. Ồ, sao hai người đánh nhau là như nào. Rồi, nam đánh nữ, nữ đánh nam à? Rồi, đoán đi, không cần quan tâm gì. Rồi, vật nó xuống. Vật xuống. Yeah, được rồi. Ui dồi, ui dồi. Ui dồi, sao lại máu này gặp. Rồi, chàng trai này yếu quá. Ui dồi, tôi đi sang thái trần chơi đi. Đang đánh cái này làm gì. Nào, dân chơi làm gì đây. Ui dồi. Chết người này. Ai à, xuống nha. Úi trời, tự nhiên con đó. Yeah. Rồi, giật mạnh đi nha. Tình đây trời cây đỏ mà. Nào, thế nào, ăn đủ, no đủ rồi sao lên trên cây giật mạnh này. Rồi, nào chúng ta cùng dành một phút để tập trị giật nào. Rồi, các ông lên đi, ông bà lên trên cây cùng giật đi nha. Lên nào, giật mạnh lên cho đi thế. Nào, cầm cây chúng lắc cây thế nào. Giờ nhà này tôi thích đấy. Khả năng là tôi ra kia tôi bay tí rồi, sẽ tính chân nhá. Sau vào bình luận sau nhá. Nào, giật mạnh lên nào. Và mà tiếp theo chúng ta cùng đến với hai dân chơi. Rồi mày chọn đi cho bố mày xem nào. Mày thoải mái đi. Đấy mày vừa cầm cây đi đúng không. Rồi mày chơi tao em. Cây 8 đúng không. Hình như là 8 hay sao ấy. Tôi không nhìn rõ lắm. Nào dân chơi làm gì đây. Đấy. Như vậy là anh đã dùng phép thuật rồi. Mất rồi. Quấy. Thấy chưa. Thấy ghê chưa. Rồi lục đi, cởi quần áo xem có trong người không nào.
Nào đấy, tiếp tục đấy. Nào, giờ định làm gì đây? Tôi nghĩ là anh định lấy lại cái đấy đấy. Đấy. Đấy, được chưa? Siêu chưa? Ngu người. Và mình chia tay với sự ngu người, chúng ta hãy cùng ra bãi biển này để ngắm biển đây. Rồi, như vậy là sóng đánh vào bờ thì khá là mạnh đấy. Ai ở dân chơi ngồi kia? Ui. Ở trên trời, ui ôi nào thế, gia đình tìm đúng cây đấy. Wow, đây cơ lực kìa ơi. Nào cũng xem chị ạ. Ui, nào mạnh thế, máu đi. Wow, ui ôi. Cậu bé này sao lại phi sang đường nguy hiểm như vậy. Ôi, dân chơi làm gì ạ. À đù, ui ôi, sao ông già lại nguy hiểm thế. Nào chúng ta cùng chơi xem sự nguyền của anh nào. Rồi, rồi. Người người. Nào nó cút cút cha, nào nó cút cút cha. Ai à, ui nhè, bay nhè, sướng nhè. Ui dồi, đi tự bay nha. Bay sướng nhè, ui tốc độ đấy, sướng đấy nhè. Rồi, đúng rồi, đẹp nhè. Vâng, xong cái đây đập tay là anh đã làm hai cốc cà phê đi rồi, xíu nha. Nào diễn lại đi, ui dồi. Đúng rồi, đập luôn. Rồi. Rồi, vào cửa hàng sách cái bia này luôn, sao phải nghĩ nhỉ. Ồ, nào thế. Sao cũng sách cái bia này có khóa. Ây dồi, trả luôn. Được rồi, đẹp đấy, nào, làm gì. Làm gì đây. Ồ, xíu à, ồ, xíu nha. Xíu à. Ui. Bệnh viện thương điên là được rồi. Ai à, xíu nhẹ. Nào thế, biểu diễn này hay thế. Biểu diễn này quăng xe chỗ nào à. Nào, dân chơi làm gì đây. Ồ, ui rồi. Vâng, xong một pha tức giận mà anh đã làm cái tivi xong rồi. Ui. Vừa nào đi rồi. Nào, bay nào. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Chịp. Nào đi đây. Cho tàu tắm à, tắm giờ à. Rồi, sạch đấy, bây giờ sạch sẽ đấy nha. Ui dồi. Nào, chúng mày cùng tập trung sự chú ý vào tao. Xem tao lại. Một người. Nào, làm gì đây. Trời, đừng kinh tre. Ui dồi, nhảy như trong phim kinh dị nhỉ. Ôi trời ơi, thật không thể tin được. Trời, thật tuyệt vời. Nào, cút cút cha, cút cút cha, bây giờ cho trực bán quay này. Đấy, mày thấy chưa? Mới tên thấy đẹp chưa? Nào, yeah. Rồi, tranh thủ tắm luôn à, xíu nha. Rồi, đi đây. Ui ôi, chết. Sao lại điều khiển lại đâm đúng người đấy. Ai à, làm gì đây? Rồi rồi, leo đi. Leo vào này cút cha, mày biết bây giờ là giờ tao thể hiện là chúng mày đâu có đi đâu ha. Nào, tránh ra tao thể hiện ra đây. À, đủ vào này nhá, chúng mày nhớ mặt tao nhá, chúng mày nhớ nhá. Rồi rồi, bây giờ là giờ để tao thể hiện đây. À, chúng mày cùng xem tao này. Úi dồi ôi. Dập hàng thôi. Nào làm gì đây, thể hiện gì? Nào thể hiện đi tao xem nào. Dạ, nhìn cơ lực đấy. À, dạ, như vậy là hình pháp cái tivi đấy. Rồi, chúng ta cùng chờ xem thể hiện như nào đấy. Rồi, đúng rồi, đẹp đấy. Rồi, yeah. Vừa mua xong, giờ mang đi vứt được rồi. Úi dồi, dân chơi làm gì đấy. Ồ, đi vào xe ô tô rồi. Sướng nha. Ui, gió mạnh ghê. Tung bếp nóc rồi. Nào, làm gì đây. À, quần đỏ gì. Quần đỏ là biết làm gì rồi đấy. Biết nghề đấy. Nào, ai à, đúng là nghề khác nhỉ. Anh đừng chơi. Thế nào lại thể hiện sự ngu người đấy. Từ từ thôi, sao vội vàng đấy. Nào, cút cút nha. Đánh đi, mồi đánh đi, đánh mạnh như nào. Rồi, đấy, đúng rồi. Ui dồi. Nào, chúng mày tập trung nhìn tập cứu xe này. Đấy, chứ nghe.
mỗi thằng cứu xe được mấy con cá mồm xuống nhé. Rồi, chúng ta đã cùng đến với hai dân chơi. Rồi, hai anh làm gì đây? Vâng, hai anh đang đi rất nhanh. Vâng, như vậy là hai anh đang thực hiện những pha sờ cổ điện, cũng như là pha sút và quánh cổ điện rất là mạnh. Có vẻ như là cổ điện này là trước kia là đã có thâm thù rất mạnh, rất là sâu sắc với các anh. Chắc là các anh là đi xe máy thường tông ở đây, em ra là thù hận nó mới sâu sắc như này. Bây giờ ra rủ kéo quánh hội đồng này, thế này là không được rồi. Vâng, thiệt nghĩ là các anh ngay lập tức nhập vào bệnh viện tâm thần gần nhất đi. Lên xe rồi vào bệnh viện tâm thần đi. Úi giời, giờ đây gõ rành rành cái gì? शफीला भाई, आपके व्हाट्सएप आईडी तो होगी? हाँ, आज के दौर में बिना व्हाट्सएप के कोई जिंदा ही नहीं है। नहीं, सही। तो आपके व्हाट्सएप में आपको फनी वीडियोस बहुत आते होंगे? आते होंगे, मुझे भी आते हैं, मेरे स्टाफ को भी आते हैं, हमारे चैनल्स में भी आते हैं। तो ऐसे ही फनी वीडियोस को हमने जमा किया, वन बाय वन जमा किया और उसका हमने एक एपिसोड बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको और शफी भाई, आपको दोनों को बहुत पसंद आए, तो आप डालिए एक नज़र उसके ऊपर भी। तो शफीला भाई, आपको कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड और आज के सारे वीडियोस?
माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है आज के दिन आपके स्टूडियो में आया और जो आपके वीडियोस देखा जी, बहुत खुशी हुई। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा, आपको भी मज़ा आया होगा, आपने भी लुत्फ़ उठाया होगा। तो अब तो वक्त हो चुका है रुख्सत का, लेकिन जाने से पहले मैं एक वाक्य आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ में बांटना चाहता हूँ, ताकि आपको भी इबरत हासिल हो, हमें भी इबरत हासिल हो, हम इसके ऊपर कुछ कदम उठा सकें। शफीला भाई कल रिम्स गया था मैं। नाज़रीन खुदा ना खास्ता अगर आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार को अगर रिम्स में एडमिट हो और आपके साथ कुछ ऐसा हो, तो वहाँ पर आपको डरने की, सहमने की या उनकी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रिम्स में फ्री इलाज नहीं करवाते। शफीला भाई आप गौर करेंगे, हम रिम्स में फ्री इलाज नहीं करवाते। हमारे जो टैक्सेस हैं, हम जो फ़ाइन भरते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ़ाइन हो या हमारे जो इनकम टैक्स के हो या फिर हम जो चालाना भरते हैं, वो सब पैसों से गवर्नमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इसके लिए हम वहाँ रिम्स में जाने के बाद में हम फ्री में काम करवा रहे हैं, सो डॉक्टरों से डरने की या फिर उनकी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ नहीं उठेगी। सही। कल एक लीवर पेशेंट है जो चल भी नहीं सकते, और हम गए थे ब्लड डोनेट करवाने KKR तंजीम की तरफ से, खून का रिश्ता की तरफ से। तो हमने डॉक्टर, जो पेशेंट के रिश्तेदार हैं, उनको बोला कि जाके पेशेंट का ब्लड सैंपल लेके आए, ताकि ब्लड मैच करा के हम ब्लड डोनेट करवा के चले जाएंगे। तो डॉक्टर, 2 बजे का टाइम है डॉक्टर का, और 2:30 बजे तक डॉक्टर नहीं है, आधा घंटा हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन में कभी कोई इमरजेंसी आ गई, कोई मरने की हालत में रहा, तो अब डॉक्टर के ऊपर उम्मीद कर सकते हैं कि वो ज़िंदगी बचाएगा आके? मुश्किल है। तो उसने, जो डॉक्टर के हाथ के नीचे जो रिपोर्ट, जो जूनियर डॉक्टर्स काम करते हैं रिपोर्ट बनाने वाले, वो अपने टाइम पे आ गए वक्त पे, क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर वो लेट हो गया तो डॉक्टर उनको चिल्लाएंगे। तो इस डर से वो अपने टाइम पर आ गए, और आने के बाद में पेशेंट के रिश्तेदारों को बोले कि हमारे पास सिरिंज नहीं है ब्लड सैंपल लेने के लिए, आप पेशेंट को ही लेके जाओ ऊपर। और पेशेंट का लीवर पेशेंट ना बैठ सकता ना चल सकता, उसको व्हीलचेयर पर बिठा के सीधा ब्लड डोनेशन रूम के पास भेज दिए। तो ये लापरवाही नहीं तो और क्या है? जिस हालत में मरीज को आराम करना चाहिए, उस हालत में मरीज व्हीलचेयर पर बैठकर फ्लोर टू फ्लोर घूम रहा है। नाज़रीन ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि आप जब कभी रिम्स जाए, अगर आपको कुछ ऐसा इंसिडेंट दिखे, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर चुप ना रहें। आप उसकी एक फ़ोटो ले लें या फिर वीडियो ले लें, और जो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा है, आप उसके ऊपर सेंड कर दीजिए, मैं उस पर ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा। इंशाल्लाह अगर हो सका तो हम आपकी मदद के लिए भी आ जाएंगे। हम हैं, शफीउल्लाह भाई हैं, ये भी मुनसिफ चैनल के रिपोर्टर हैं, हम वसीला की तरफ से आएंगे, ये मुनसिफ की तरफ से आएंगे, क्योंकि हम जो भी कड़पा में रह रहे हैं लोग, उनका हक है कि अगर वो रिम्स में जाते हैं तो उस खिदमत को पूरी तरह से ले। अगर वहाँ पे कोई आपकी खिदमत नहीं कर रहा है तो आप उसकी तरफ आवाज़ उठाएं। तो चुप रहने से अच्छा है कि आवाज़ उठाइए और पूरी तरह से खिदमत का लुत्फ़ उठाइए। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा, और जो हमने आपको बातें बताई वो भी अच्छा लगा होगा। शफीला भाई अभी रुख्सत का वक्त हो चुका है, अच्छा तो नहीं लगता रुख्सत के लिए, पर आधे घंटे का शो है, क्या करें। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी इसी शो में हमारे नाज़रीन के साथ, और हम और मज़ा करेंगे। नाज़रीन देखते रहिए दिलचस्प दुनिया सिर्फ और सिर्फ वसीला टीवी पर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़।